हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो बो वैली कॉलेज के ऊपर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बो वैली कॉलेज की आईएलटीएस पीटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और वीडियो के एंड में हम बताएंगे आपको इसका वीज़ा सक्सेस रेट। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन एज वेल, सो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे बो वैली कॉलेज की लोकेशंस के बारे में। बो वैली के आपको टोटल 6 कैंपसेस मिल जाते हैं, जो सारे कैंपस कैलगरी एल्बर्टा में है। बो वैली कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन 1965, सो ये पूरी तरह से पब्लिक कॉलेज है, और यहाँ पे आपको 2 साल की स्टडी के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, और 1 साल की स्टडी के बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। नाउ विल टॉक अबाउट कि आपको क्यों बो वैली कॉलेज को चूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ा जो रीज़न है इसकी लोकेशन है। आपको जो बो वैली कॉलेज है वो कैलगरी डाउनटाउन में इसका कैंपस मिल जाता है, जो कि हार्ट ऑफ द कैलगरी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्मॉल एंड मॉडर्न क्लासरूम्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, बो वैली कॉलेज कई तरह के स्टूडेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है और स्टूडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, ताकि जो बच्चे बो वैली कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन। और जो एल्बर्टा का एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी हाई है, वहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाती हैं, और स्पेशली जो बो वैली कॉलेज से बच्चे पढ़े हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है एक सर्वे के मुताबिक वो 97% है आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडीज। सो आइए अब बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। अगर आप बो वैली कॉलेज में आफ्टर 12th एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो 50% ओवरऑल स्कोर्स है उनकी 12th ग्रेड्स में। और इसके अलावा अगर आप पीजी प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं आफ्टर बैचलर डिग्री, तो भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है 50% ही रहेगी ओवरऑल इन योर बैचलर डिग्री। अगर हम आयल्स या पीटी की बात करते हैं तो यूजी प्रोग्राम्स के लिए जो आपका आयल्स कोर्स है वो 6 ईच एंड 6 ओवरऑल होना चाहिए, एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए भी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम ही है एज यूजी प्रोग्राम्स, जो कि 6 ईच एंड 6 ओवरऑल है। और इसके अलावा जो बच्चे डुओलिंगो से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं बो वैली कॉलेज में, उसमें बो वैली कॉलेज ने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो कि ओनली 95 स्कोर्स अगर आपके डुओलिंगो में है तो आपको यूजी एंड पीजी बोथ प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाती है। अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं पीटी के साथ और ऑफर लेटर लेना चाहते हैं पीटी के साथ, तो जो यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स में आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो 59 ओवरऑल है। नाउ विल टॉक अबाउट गैप एंड बैकलॉग। अगर आप यूजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बो वैली कॉलेज में, तो आपका 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप पीजी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 7-8 साल का गैप भी चल जाता है विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप पीजी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो बैकलॉग लिमिट है वो आपकी लास्ट 3 ईयर्स डिग्री में 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी 4 ईयर्स की डिग्री है इंडिया में तो जो आपके बैकलॉग्स हैं वो 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट ऑफर लेटर फीस एंड टाइमलाइन। अगर आप बो वैली कॉलेज में अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑफर लेटर की फीस है वो $140 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो इसकी ऑफर लेटर की टाइमलाइन है वो 4 से 6 वीक्स है। अगर हम कंडीशनल ऑफर लेटर की बात करते हैं तो बो वैली कॉलेज में आपको कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं मिलता है, और यहाँ पे किसी भी ओपन बोर्ड और ओपन यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट्स एक्सेप्टेड नहीं है। सो आपकी जो प्रीवियस डिग्री या प्रीवियस 12th है वो रेगुलर स्ट्रीम में होनी चाहिए। अगर हम इंटेक्स की बात करें तो बो वैली कॉलेज में आपको टोटल 3 इंटेक्स मिलते हैं, जैसे कि जैन, मई एंड सितंबर, लेकिन जैन एंड मई में आपको केवल 2-3 प्रोग्राम्स ही मिलते हैं, जो मोस्टली प्रोग्राम्स हैं आपको सितंबर इनटेक में ही मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द ट्यूशन फीस फॉर यूजी प्रोग्राम्स, जो ट्यूशन फीस है $12,000 से स्टार्ट हो जाती है, और जो नॉर्मल ट्यूशन फीस रहती है वो 16,500 तक जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। अगर हम पीजी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो ट्यूशन फीस $15,000 से लेके $20,000 तक की रेंज में मिलती है। इसके अलावा कैलगरी का जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो $10,000 to $12,000 पर ईयर है। बो वैली कॉलेज में आपको टोटल 45 प्रोग्राम्स मिल जाते हैं ऑन यूजी एंड पीजी लेवल। अगर हम यूजी लेवल पे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लीगल असिस्टेंट एंड जस्टिस स्टडीज, फार्मेसी टेक्नीशियन, इंटीरियर डेकोरेटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। ये वाले जो भी प्रोग्राम है मोस्टली पीजी वाले बच्चों को अवेलेबल होते हैं पीजी प्रोग्राम्स में, लेकिन यहाँ पे आपको ये यूजी में भी मिल जाएंगे। सो अगर जो बच्चे हैं कि लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे लीगल जस्टिस स्टडीज में जा सकते हैं।
अगर हम पीजी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज वीजा सक्सेस। सो बो वैली कॉलेज का वीजा सक्सेस रेट है वो 71% है फॉर लास्ट 5 ईयर्स। सो गाइस लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर। बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको किसी और भी कॉलेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पे जाके और कॉलेजेस की वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं और उनमें अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।